हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम चैप्टर 11 मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, मेंसुरेशन होता क्या है वो समझिए। सबसे पहले चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब इट इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम ऑफ द प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स। किसी भी तरीके की कोई प्लेन फिगर या सॉलिड फिगर का एरिया, पैरामीटर या वॉल्यूम फाइंड करना आपका मेंसुरेशन कहलाता है। मतलब किस तरीके से उसका मेजरमेंट निकाले। अब फिगर्स कहें तो फिगर्स ये भी हो सकती है, फिगर्स ये भी हो सकती है, फिगर ये भी हो सकती है। किसी भी तरीके की जो फिगर्स है वो सारी की सारी आपकी मेंसुरेशन के अंदर आती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका मेंसुरेशन फर्स्ट टॉपिक जो है। और चैप्टर को समझने का मतलब क्या है कि मेंसुरेशन क्या है। तो मेंसुरेशन इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एरिया, पेरिमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ ऑल प्लेन या सॉलिड फिगर्स। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया। The surface covered by the border line of the figure is the area of the plane shape. यानी कि जब भी कभी आपको surface covered by the border, ये border है, जो भी ये है, इन border से, इन border line से, border line से जो भी surface covered होता है वो आपका क्या होगा? Area. ठीक है, इसको कहते हैं एरिया। और एरिया हमेशा, एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर। मीटर है तो वो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इनकी जो यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है? स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द प्लेन शेप। यानी कि जो पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर का, जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी कि यहां से अगर पॉइंट स्टार्ट हुआ तो ये 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 और ये, इसको कहते हैं हम पेरीमीटर। इजीली समझना हो तो अगर इनर चीज का निकालते हैं तो एरिया, और आउटर जो लाइंस है उनका निकालेंगे तो आप कहेंगे पेरीमीटर। अब पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर का मीटर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। क्योंकि हर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अदर कोई भी शेप का अलग एक फॉर्मूला होता है जिस स्पेस पे उसका पेरीमीटर निकलता है। पेरीमीटर की जो यूनिट होती है आपने याद रखनी है वो एक सिंगल लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द यूनिट। अगर मान लो मीटर में दिया है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर होगा। लेकिन एरिया जो होता है वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर मीटर में दिया है तो मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू इज सेंटीमीटर स्क्वायर, सो ऑन, और भी एक्सेट्रा हो सकते। ठीक है, तो बच्चों अब एरिया एंड पेरीमीटर किस किस शेप के, 2D जो शेप्स होती हैं उनके क्या होते हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम शेप ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की इमेज कैसे बनती है? ऐसे। एरिया क्या होगा? मान लीजिए एरिया होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। अगर साइड ए है तो ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू ए स्क्वायर। पेरीमीटर इज हाउ मेनी साइड्स? 1 2 3 4, 4 इनटू साइड, इट मींस 4 इनटू ए इज 4a। ये हुआ स्क्वायर का एरिया, ये आपके पास पेरीमीटर। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क क्या होता है? स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, रेक्टेंगल की ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। एंड पेरीमीटर इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में देखिए, अगर ये नॉर्मल ट्राइंगल है तो वैसे एरिया होगा आपके पास 3 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर इज सम ऑफ
ऑल साइड्स। ऑल साइड्स मीन्स अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, थ्री इंटू साइड्स ये मोस्टली इक्विलेटरल ट्राइंगल में यूज होता है। ठीक है, फोर फाइव सिक्स तो पेरीमीटर होगा तीनों साइड्स का, एड थ्री इंटू साइड्स अगर सेम साइड्स दी होगी तो इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। वैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर अलग से एरिया फाइंड करना होता है तो वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर। नेक्स्ट लेते हैं हम कोई भी पैरेललोग्राम ले लीजिए। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा आपका, बेस इनटू हाइट। ये बेस हो गया आपका, ये आपकी हाइट, तो बेस इनटू हाइट इसका क्या हो गया, एरिया। और अगर आपको पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालना हो तो सेम सम ऑफ एडजेसेंट साइड कह लो या ऑल साइड्स कह लो, ये आपका ऐड हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, ट्राइंगल में ना मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल थ्री इंटू साइड्स, और अगर आपको नॉर्मल एरिया निकालना हो ट्राइंगल का तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां थोड़ा अलग है, ये होता है आपकी हाइट, ये होती है बेस। मैंने वैसे लिख दिया, आपने ये नहीं याद रखना, ये याद रखना है। ठीक है, इसे रिमूव कर दीजिए। क्या लिखेंगे यहां, ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो बेस इंटू हाइट, और अगर पेरीमीटर निकालना हो तो सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर एडजेसेंट साइड्स को आप ट्वाइस कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं सर्कल। ये है आपका सर्कल। अब देखिए सर्कल में एरिया क्या होता है, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर होता है टू पाई आर, जिसमें जो पाई होता है उसकी दो वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। ये 3.14 7 से डिवाइड करके ही आता है, पर दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन है पर्टिकुलर वैल्यू, देन यू विल यूज दैट वैल्यू, और अगर मेंशन नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। आर मीन्स क्या है, आर मीन्स रेडियस। रेडियस क्या होता है, यहां से यहां तक का, अब वो किसी भी तरफ हो सकता है, यहां या यहां कहीं, तो उसे कहते हैं आर फॉर रेडियस। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके दो तरीके हैं। ठीक है, पहला मान लीजिए आपके पास फिगर है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की, ये इसको आपने दो फिगर में बांट दिया इस तरीके से। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई। इसमें देखिए एक तो पैरेललोग्राम है, एक ट्राइंगल, तो आप कह सकते हैं एरिया ऐसे लिखते हैं ट्रेपीजियम ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये एक ट्रेपीजियम था जिसे हमने यहां से डिवाइड कर दिया, तो एक पैरेललोग्राम एक ट्राइंगल दोनों का एरिया ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। इसे कहते हैं बाय स्प्लिटिंग द फिगर। आपने फिगर को स्प्लिट कर दिया यानी कि बांट दिया और फिर उसका एरिया फाइंड आउट किया। दूसरा बाय फॉर्मूला। अगर फॉर्मूले से निकालें तो ये है आपके पास ट्रेपीजियम की फिगर, इसमें मेंशन हो जाता है हाइट ए बी सी डी ई एंड एफ। ये होती है पैरेलल साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाइड सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस बिटवीन
या फिर सीधा इसको ना लिखना हो तो आप लिख दीजिए हाइट। किस तरीके से, तो देखिए हाफ इंटू पैरेलल साइड्स ए बी एंड सी डी, तो ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई हाइट यानी ए ई, तो यूज ए ई। तो ये हो गया आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो इधर यू कैन यूज दिस मेथड और दिस मेथड। अगर फिगर में काफी चीजें गिवन है और इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये लगाइए, और अगर यही चीजें गिवन है पैरेलल साइड्स हाइट्स है तो इस मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। आप देखिए नॉर्मल एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए ये आपको फिगर दी हुई है ए बी सी डी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, हमने इस लाइन को देखी। अगर मान लीजिए ये ऐसे था, ठीक है, मान लीजिए ये फिगर ऐसे थी। एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल में हमने इसे ज्वाइन कर दिया और हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों के एरिया को ऐड कर दिया, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या, एबीडी क्या होगा, ये हाइट होगी एच वन, इसकी हाइट हो जाएगी एच टू, तो हाफ इंटू बेस क्या है डी बी हाइट एच वन प्लस एरिया ऑफ बी सी डी हाफ इंटू बी डी इंटू एच टू। ये आ गया आपके पास हाफ और बी डी कॉमन आ गया, अंदर हो गया एच वन प्लस एच टू। तो जनरल जो फिगर होगी कभी जिसमें हाइट्स आपको दोनों तरफ गिवन होगी तो आपने एक बार इस वाले ट्राइंगल का एरिया लेना है, एक बार इस वाले ट्राइंगल का एरिया, और दोनों को ऐड कर देना है, वरना ये डायरेक्ट करना है कि हाफ इंटू जो आपको बेस दिया है वो, और दोनों हाइट ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो भी आपका जनरल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं एरिया ऑफ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। अब स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में हम ले लेते हैं रोम्बस। तो देखिए रोम्बस की फिगर भी अभी हम ऐसे ही बना लेते हैं स्क्वायर टाइप की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी नाम दे देते हैं, इसका निकालना हो तो इसमें टू डायगोनल्स होते हैं ये तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। डी वन एंड डी टू आर डायगोनल्स, तो रोम्बस का फॉर्मूला डायरेक्ट आप कर सकते हैं हाफ इंटू डी वन एंड डी टू मीन्स डायगोनल, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रोम्बस का एरिया भी फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड शेप्स। द थ्री डायमेंशनल शेप विच ऑक्यूपाई सम स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड शेप, लाइक क्यूब सिलेंडर स्फीयर। उस तरीके की थ्री डी डायमेंशनल शेप्स जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, सम स्पेस ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको कहते हैं हम थ्री डी डायमेंशनल यानी कि सॉलिड शेप, लाइक क्यूब, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर, इन ये सब जो है इन सब में स्पेस होता है। तो जिस भी सॉलिड शेप में स्पेस होगा उसे आप कहेंगे सॉलिड शेप्स, वो भी थ्री डायमेंशन, लाइक क्यूब कह लीजिए, सिलेंडर कह लीजिए या फिर स्फीयर कह लीजिए, इन सब में आप कुछ ना कुछ स्पेस आपको मिलेगा, तो इन्हें कहेंगे थ्री डी शेप्स। अब इन थ्री डी शेप्स जो है सॉलिड शेप्स का सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। नाउ सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सिलेंडर एंड क्यूबॉइड कैसे करते हैं। तो देखिए क्यूब की शेप होती है हमारी इस तरीके से, क्यूब, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, कर्व को लेटरल भी कहते हैं, ये दोनों नाम आएंगे तो आपने ध्यान रखना है कर्व और लेटरल, एंड टोटल सरफेस एरिया अलग। तो क्यूब का
कर्व सरफेस एरिया होता है 4L स्क्वायर, एल मींस साइड, और टोटल सरफेस तो कितना है, टोटल कितनी है 6L स्क्वायर। यही फर्क है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि क्यूब जब आपको दिखता है तो आपको 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही दिखता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस वो हो गया कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो गया, जितनी है वो सारी की सारी आपने इसमें ले ली। नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज सेम एज क्यूब, ओनली द डिफरेंस इज क्यूब इज इन स्क्वायर शेप एंड क्यूबॉइड इज इन रेक्टेंगुलर शेप। शूज बॉक्स, जिसमें शूज आते हैं वो शूज बॉक्स इज अ क्यूबॉइड इन शेप। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया इज 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, एंड टोटल सरफेस एरिया इज 2 × लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। एक बार लेंथ एंड ब्रेथ ले लीजिए, एक बार ब्रेथ एंड हाइट ले लीजिए, एक बार हाइट एंड लेंथ ले लीजिए, तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ये आपका कर्व या लेटरल सरफेस एरिया। थर्ड इज सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, r इज रेडियस, h इज हाइट, तो रेडियस हो गया आपका यहां तक और हाइट हो गई यहां से यहां तक, दिस इज हाइट, हियर इज रेडियस, और टोटल सरफेस एरिया होगा 2πR r + h, या फिर आप कह सकते हैं 2πR² + 2πRh। ऐसा क्यों, तो देखिए 2πRh तो मिल ही गया, साथ में 2πR² क्यों, इस सिलेंडर को अगर ब्रेक करते हैं तो इसके साथ दो सर्कल है, इन दोनों सर्कल को हमने यहां ले लिया, πR² होता है एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है πR², कितने सर्कल है 2, तो ये हमने इसके साथ ऐड कर दी, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में सारी चीजें आती हैं, टोटल कि एक तो सिलेंडर है उसके साथ दो सर्कल है, तो तीनों चीजों को मिक्स करके टोटल सरफेस एरिया, और अगर कर्व बनाना है तो कर्व तो ऐसे शुरू हुआ, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, उसमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही लिया जाएगा। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब सिलेंडर एंड क्यूबॉइड। अब देखिए वॉल्यूम होता क्या है, तो वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड फिगर। वॉल्यूम किसी भी चीज में स्पेस, यानी कि क्यूब में कितना स्पेस है, क्यूबॉइड में, सिलेंडर में, किसी भी चीज में कितना स्पेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आपके घर में, सबके घर में टंकी होती है पानी की, तो वो कितना वॉल्यूम है उसका, वो चीजें जो होती हैं उसमें हम जिसमें भी स्पेस ऑक्यूपाई हो उससे सॉलिड फिगर की, उसको कहते हैं वॉल्यूम। अब हमने निकालना है सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब मींस ये फिगर है, तो वॉल्यूम यानी कि इसमें साइज होगी, अगर क्यूबॉइड शेप होगी तो लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, तो इसमें भी उतनी होगी, तो इसका फॉर्मूला होगा एल क्यूब, क्यूब साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, 3 times हमने साइड्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल गया। क्यूब की शेप है, इसमें कितना, इस तरीके की कितना, गहराई कितना, वो सारा का सारा जो है वो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब में लिया। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखिए क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में होता है एल बी एच, लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ एंड मल्टीप्लाइड हाइट, तो यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मल्टीप्लाई हुई तो क्या बना आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। शूज बॉक्स होता है, उसमें लेंथ ब्रेथ और कितनी हाइट, तो तीनों चीजें जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये है सिलेंडर, इसका होता है πR²h, अंदर का ही लेना है तो πR²h, r means रेडियस,
एंड H मीन्स हाइट। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट इज वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो देखिए वॉल्यूम एंड कैपेसिटी बोथ आर सेम थिंग। वॉल्यूम जो होता है इसका और इसमें, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो कैपेसिटी होती है वो, सॉरी, जो वॉल्यूम होता है वो अमाउंट को डिनोट करता है, अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है। कैपेसिटी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी उसमें आ सकती है। तो दोनों ही क्या होंगे, सेम होते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप कहें किसी की कैपेसिटी निकालनी है तो भी आपको वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम निकालना ही। अब देखिए हमें पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये आपको आता है। नेक्स्ट 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब देखिए अगर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है और 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 लीटर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने 1 लीटर का निकाल लिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम लिख सकते हैं 1 meter cube equal to 1000 liter। इस चीज को आपने याद रखना है। तो इन तीनों चीजों से हमारा वॉल्यूम, कभी भी आपको ये आएगा कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर में कितने क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड लास्ट इज 1 meter cube equal to 1000 liter। तो बच्चों आज हमने मेंसुरेशन में इंट्रोडक्शन किया कि उसमें वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया, सॉलिड शेप्स का एरिया, पेरीमीटर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर ही बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज या चैप्टर 11। तो होप आप ये सारी चीजें अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 को स्टार्ट करेंगे। टिल देन बच्चों टेक केयर, बाय बाय।